जैसा कि कहा जाता है कि बनारस में आके लोग बनारस के ही हो जाते हैं, इसी तरह से हम लोग बिरला छात्रावास में रह चुके हैं, अब इस हॉस्टल को छोड़कर कहीं रह ही ना पाएंगे। बच्चू आए, अगर बिरला को नहीं जाना तो फिर जाना क्या भाई? अब कोई समस्या स्टूडेंट की होगी तो बाहर के थोड़े आ गया, वो तो स्टूडेंट ही सॉल्व करेगा ना, हम अपने सीनियर बताएंगे ना उनको कि क्या ये समस्या है, बताइए। तो रहता है हमारा कि जो चीज़ें यूनिवर्सिटी में चल रही है उन पर कमेंट करना, ये तो अगर इस बगावत को आप ये नाम दे देंगे कि मारधाड़ है तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिरला जो छात्रावास ही है इसमें से महान महान क्रांतिकारी जैसे जय प्रकाश नारायण, रामन और लोहिया, चंद्रशेखर, भगत सिंह, ऐसे ऐसे छात्र, मतलब पर जो बात इस हॉस्टल में कहा जाता है कि ये हॉस्टल नहीं है, ये महल है। क्योंकि हेलो दोस्तों, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ बीएचयू वाले दी एग्जाम वॉरियर पे। अभी मैं खड़ी हूँ बिरला छात्रावास के सामने और आपको सुनाने वाली हूँ बिरला छात्रावास के छात्राओं से उनके अनुभव के बारे में। तो अभी आप हमारे कार्यक्रम बीएचयू नामा से जुड़े हुए हैं, चलिए हम उन छात्रों से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम? मैं, मेरा नाम गौरव द्विवेदी है। गौरव जी, आपका कौन सा ईयर यहाँ? मेरा एमए सेकंड ईयर। अच्छा, एमए से आप पहले एक डेढ़ साल यहाँ, मतलब अब रह चुके हैं? हाँ, दूसरा साल है मेरा। दूसरा साल है आपका, तो ये कैसा अनुभव है आपको बिरला को लेके? देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं उनका कोऑपरेटिव नेचर, उनकी जो भी अनुशंसात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो भी चीजें हैं वो बहुत बहुत सहयोगी है। एक बड़े भाई के समान स्नेह उनका हमेशा बना रहता है, जो भी जूनियर्स आते हैं उनको भविष्य के लिए मार्गदर्शन और तमाम चीजें जहाँ भी जरूरत पड़ती है खड़े रहते हैं यहाँ पे सीनियर्स। एक मतलब एक एक कमेटी की भावना, मतलब एक एक आत्म आत्म भावना जुड़ी हुई है सबकी आपस में, ऐसा है। आप तो सीनियर हो गए, आपसे भी जूनियर आए होंगे, तो उनसे पूछ लेते कि आपने उनको कैसे ट्रीट, कौन आप इनसे कौन सीनियर है? एमए ये सेकंड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर वाले कोई ना? अच्छा, आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम अमन है। अच्छा अमन, आपका एमए फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर मेरा। अच्छा, ये आप ये बताइए कि आपके लिए कैसा है यहाँ अभी बिरला? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ थर्ड यूजी भी यहीं से हुआ मेरा, तो यहाँ का जैसा माहौल है बहुत काफी अच्छा है यहाँ पे। और अभी फर्स्ट ईयर में आने के बाद जैसा कि हॉस्टल में मिला है, तो बड़े भैया लोग का, जितने लोग का मार्गदर्शन है बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से है। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट वाले को बिरला छात्रावास से लौट होता है, आप बताइए अपना नाम? हिंदी वालों को होता है, फिलोसफी वालों को होता है, फिजिकल एजुकेशन वालों को होता है, और कई संस्कृत, कई कई विभाग ऐसे हैं उनों का, मतलब बिरला सी छात्रावास आवंटित होता है, मतलब आर्ट्स फैकल्टी वालों का, आर्ट फैकल्टी वालों का जितने में लगभग विभाग आर्ट फैकल्टी में है तो सब लगभग सबका होता है। अच्छा, अच्छा। जी आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आपका कौन सा ईयर है? मेरा फाइनल ईयर है एमए। फाइनल ईयर है तो अभी आपके जूनियर्स आए होंगे फ्रेशर्स, तो क्या आप रैगिंग भी लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जितने जूनियर्स हैं सब मेरे छोटे भाई जैसे हैं और दोनों का संबंध बहुत अच्छा रहता है, लगभग बहुत अच्छा है। तो मतलब माहौल अंदर अच्छा है? अच्छा, और कौन बताएगा जूनियर्स, आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। हा? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? सचिन कुमार। सचिन, अभी कैसा, मतलब बिरला छात्रावास में आए हुए कितना दिन हुआ? दो ढाई महीने हुए। दो ढाई महीने, तो अंदर पढ़ाई को लेके कैसा माहौल है? ठीक ही है, सपोर्ट रहता है, सब सीनियर भैया सर लोग खड़े हैं, ये है, सब हेल्प करते हैं पूरा, मतलब पूरा मतलब हेल्प भी मिलता है। अच्छा। तीसरे और कौन, आप बताइए आपका नाम? जी मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव है, एमए फाइनल ईयर है मेरा। एमए फाइनल ईयर, आप भी सीनियर हैं, जो आपके जूनियर्स हैं कुछ, तो आप ये बताइए कि अंदर की कुछ सुविधाएं के बारे में बताइए। अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक छात्र के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं कि उसे अध्ययन के लिए चाहिए वह सभी इस कैंपस में और छात्रावास में उपलब्ध है। छात्रावास में क्या, मतलब लाइब्रेरी, हॉस्टल, मतलब मेस वगैरह ये सब? हाँ, सब बढ़िया। खाने पीने के लिए मेस है, कैंटीन है, और हॉस्टल में ही लाइब्रेरी है स्टडी करने के लिए। बाकी कैंपस में आप जानती हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है, सारी सुविधाएं एक पढ़ने के लिए छात्र के लिए सभी चीजें उपलब्ध है। हम जानते हैं कि बिरला छात्रावास जो है वो कैंपस में बहुत ही फेमस हॉस्टल्स में से एक है, तो ऐसा क्यों, कौन बताएगा ये इसके बारे में, जो सीनियर से आपको बहुत अनुभव हो गया होगा? ये बिरला जो छात्रावास ही है इसमें से महान महान क्रांतिकारी जैसे जय प्रकाश नारायण, रामन और लोहिया, चंद्रशेखर, भगत सिंह, ऐसे ऐसे छात्र, मतलब यहाँ छात्र नेता रहे हैं और यहाँ से नेता उभरे हैं, जो महामना के भाग्य को गुजार किए हैं। ठीक है, तो ये क्रांतिकारियों की बिरला सी मतलब भूमि रही। मैं तो बहुत मतलब करीब लगभग 8 साल से मैं रहा हूँ, मैं यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ, मैं यहाँ के हाव भाव को मैं जानता हूँ। अच्छा,
तो बिरला के भौकाली के लिए कौन बताएगी कि बिरला का इतना भौकाली क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा बाहर देखा जा रहा है उस हिसाब से माहौल नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर सीनियर हैं तो सीनियर का थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट होता ही होता है, तो उस आधार पे अगर देखा जाए रिस्पेक्ट के आधार पे तो है, लेकिन अगर भौकाल के नाम पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये डर है, भ्रम है कह सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग मतलब सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं और मतलब जूनियर साहब के रिस्पेक्ट करते हैं? देखिए ये यहाँ की परंपरा रही है कि जो फ्रेशर आए हैं उनको हर समस्याओं से हम अवगत करवाएं कि क्या होगा, तो एक रिलेशन बना, इसलिए बनाया गया कि उनको रास्ता दिखाने के लिए। तो इसको गलत तरीके से पेश किया गया लोगों में कि मार धाड़ होती है, ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया माहौल है सभी हॉस्टल का, और बिरला सबसे पुराना हॉस्टल के नाते एक बड़ा भाई है, तो सभी ये दायित्व रहता है हमारा कि जो चीज़ें यूनिवर्सिटी में चल रही है उन पर कमेंट करना। ये तो अगर इस बगावत को आप ये नाम दे देंगे कि मारधाड़ है तो ये ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। मतलब जैसा माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया या बाहर हम देखते हैं कैंपस में, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कौन बताएगा? तो ये यहाँ जो रह रहे हैं वो ही बताएंगे, तो अब हम उनके उनसे जाने, लेकिन और कोई कौन और कुछ बताना चाहेगा कोई बिरला के बारे में जो हम नहीं जानते हैं? देखिए क्या होता है कि समाज में कुछ चीजें गलत होती हैं, कुछ सही चीजें होती हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि सभी चीजों को आंख बंद करके उसको स्वीकार कर लेते हैं, और बिरला छात्रावास के जो लोग हैं या छात्रावास है जो भी गलत चीजें होती हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसी को नाम दे दिया जाता है कि ये छात्र क्रांतिकारी हैं। ऐसा कुछ है नहीं, रैगिंग मुक्त एक कैंपस है, रैगिंग कुछ है नहीं यहाँ पे, और हम सीनियर जूनियर सभी लोग फ्रेंडली रहते हैं, कभी ऐसा लगता नहीं कि हमारे जूनियर हैं हम सीनियर हैं, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये आपस में अच्छे से मिल बांट के रहते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा जिससे आप बताइए, आप आए हैं तो जब आपको पहली बार लगा कि आपको बिरला छात्रावास मिल रहा है तो फिर कैसा अनुभव था? अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। 2016 बैच के आए थे कुछ सीनियर भैया, हमें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी शामिल किए, हमने अच्छे से ज्वाइन किया है। भाई अब कोई समस्या स्टूडेंट की होगी तो बाहर के थोड़े आ गया, वो तो स्टूडेंट ही सॉल्व करेंगे ना, हम अपने सीनियर बताएंगे ना उनको कि क्या ये समस्या है, बताइए किसको बताएंगे, सीनियरों को तो बताएंगे। तो ये चीज़ रहता है, कोई दिक्कत होती है, हॉस्टल में बहुत सुविधा रहती है, बाहर रहने पर खाना वाना बनाना पड़ता है, हॉस्टल में रहो आराम से, क्या बात है, नज़दीक रहता है डिपार्टमेंट, आओ 5 मिनट में चले जाओ, 5 मिनट फिर आओ चले जाओ, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से सारे मतलब अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो यहाँ से आपको लाइब्रेरी, आपका डिपार्टमेंट, ये सब आपको नज़दीक पड़ जाता है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा होती है अगर हॉस्टल मिल जाना। तो अभी हम अगले बात करेंगे कि सबसे पहली बात की मेस का खाना हॉस्टल का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो कौन कौन मेस का खाना खाता है? ऑप्शन भी नहीं है खाने का, क्योंकि इस हॉस्टल की मेस में नहीं खाएंगे तो किसी दूसरे हॉस्टल की मेस में खाना पड़ेगा, तो हम दूसरे हॉस्टल जा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई जा सकता है, कोई मना ही नहीं है, चाहे जहाँ जाइए, कोई भी हॉस्टल जितना भी इस पर, जैसे भाभा हो गया, LBS हो गया, कोई नहीं रोकते हैं। अंदर में और खाने की क्या सुविधा है, कैंटीन वगैरह? कैंटीन वगैरह है, बहुत अच्छी है, और हम लोग के जो हॉस्टल के मतलब कल्लू महाराज जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हाँ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनका खाना खाने के बाद मतलब तुरंत डाइजेस्ट होता है, हाँ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, फुल विटामिन प्रोटीन सब मिलता है खाने में, अगल बगल वाले भी खाना खाने आते कल्लू महाराज का, हाँ फेमस है, बिरला सी की मैस बहुत फेमस है, बिरला सी की मैस बहुत फेमस है। और बस मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी आप जो जूनियर से एग्जाम देके आएंगे उनको बिरला छात्रावास मिलेगा, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई देखो वो उनकी प्रवृत्ति है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं बिहाइव उनका क्या होना चाहिए, वही बता सकते हैं। वैसे अब वो जो जूनियर आएंगे या फिर आ चुके हैं, तो जो आ चुके हैं जैसा उनके साथ हम लोग का व्यवहार रहा है वैसा उनके साथ भी रहेगा, और हॉस्टल तो हम नहीं कह सकते, अगर किसी को बिरला मिलता है, बिरला या ब्रोचा, साइंस वालों को ब्रोचा मिलता हो तो, और आर्ट्स वालों को बिरला मिलता है, और भी हॉस्टल है LBS जैसे, पर जो बात इस हॉस्टल में कहा जाता है कि ये हॉस्टल नहीं है, ये महल है, क्योंकि ना तो ये मटेरियल आज मिल सकती, ये बिल्डिंग आज नहीं बन सकती, ये 1921 में महामाना जी ने बना दी कैसे करके, पर आज अगर ऐसे हम सोचते हैं कि बिरला दोबारा बन जाए तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल वो मटेरियल नहीं मिलेगा, अब इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि बहुत गजब तरीके से, बहुत डिजाइन करके, बहुत सोच समझकर हर एक एक चीज बनाई गई है। ऐसा बोला जाता है कि अंदर गर्मी के दिन ठंडा रहता है, ठंडे में गर्मी पूरी फुल ठंडी में तो मतलब इतना गर्मी लगता है भैया कि पंखा चलाना पड़ता है पूरी ठंडी में, नहीं बहुत आपको फर्क बिल्कुल साफ साफ सा लगेगा आपको, अगर आप रूम में आएंगे, क्योंकि उसके पीछे रीजन के मटेरियल ऐसा लगा हुआ है,
चूना लगा है, क्योंकि जितनी नई बिल्डिंग और जो बनी है ना वहाँ पे थोड़ा सफोकेशन टाइप का होता है और वहाँ पे अच्छे न धूप पहुँचेगा और न ही अच्छी से हवा आती है वहाँ पे। बिरला क्यों और छात्रावास से अलग है, ये इसके बारे में कौन बताएगा? बिरला छात्रावास में जो स्वतंत्रता और स्वच्छता छात्रों को मिल जाती है शायद किसी हॉस्टल में ऐसा नहीं। और जैसा कि कहा जाता है कि बनारस में आके लोग बनारस के ही हो जाते हैं, इसी तरह से हम लोग बिरला छात्रावास में रह चुके हैं, अब इस हॉस्टल को छोड़कर कहीं रह ही ना पाएंगे। और कहा जाता है ये बिरला छात्रावास है, लेकिन ये छात्रावास नहीं, बिरला एक जीवन है, जो यहाँ रहता है वही उसको समझ पाएगा। छात्रावास नहीं है, जाने के बाद आपको इलीट आप महसूस करेंगे, क्योंकि कहीं भी आप अगर आपकी कोई भी आप बीएचयू को जानता है तो वो बिरला को जानता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएचयू आया अगर बिरला को नहीं जाना तो फिर जाना क्या? छात्रावास में अगर कोई बीएचयू आया और छात्रावास पाया और फिर बिरला छात्रावास के बारे में नहीं जाना तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो बिरला बीएचयू में पढ़ने आया करके अगर माना जा सकता है ऐसा। तो हम बिरला के छात्र से उनके यहाँ के अनुभव को सुने, जैसे कि ह्यूमर फैलाई जाती है वैसा कुछ नहीं है, यहाँ आके ही हम लोग जाने यहाँ के स्टूडेंट से। ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स बीएचयू के अंतर्गत है और हम आपको अपने कार्यक्रम बीएचयू नामा के तहत आपको दिखाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अरे आइए आइए, आप हमारे चैनल बीएचयू वाले को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? हम यही बोलना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जो बिरला छात्रावास के बारे में आप जो फैला रही हैं, वहां तक सूचना पहुंचा रही हैं, उन सभी आपके दर्शकों को और आपको सहृदय बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से इस जन जागरूकता कार्यक्रम को और इस बिरला छात्रावास की वास्तविक स्थिति को और इसकी वास्तविक पहचान को लोगों तक पहुंचाने का आप काम करें, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।